काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, अगर दम है तो ऐसे जियो जो मिसाल बन जाए। जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को, मैंने भी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल B.sc मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं B.sc पार्ट वन, जिसका भी मैथ रहस्य है B.sc पार्ट वन, इनका मैं आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि क्वेश्चन में जो जब आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा वहाँ पर जो टर्म आपको मिलता है, इस टर्म को मैं आपको सोल्व करने वाला हूँ, ताकि आपको कोई क्वेश्चन करते समय दिक्कत ना आए। तो वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक को समझेंगे, क्योंकि आपको बेसिक आ जाएगा तो बेसिक आने के बाद आप क्वेश्चन खुद बे खुद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसका बेसिक क्या है। अगर दोस्तों आप चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों वीडियो पसंद भी आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय इस तरह का टर्म दिखाई दे, देखिए ऊपर वाला जो टर्म है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, इस तरह का टर्म दिखाई दे तो आपका आँख मूंद कर इस तरह करना है। देखिए मतलब आँख मूंदने का मतलब कि आँख मूंद कर ही सोल्व नहीं करना है, मतलब आपको जो कॉस है ना, कॉस वाले टर्म को एक साइड करना है, साइन वाले साइड को एक साइड करना है। देखिए कॉस वाला टर्म क्या क्या है, cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, कॉस कॉमन हो सकता है और cos थीटा यहाँ पर लिख दिए, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस ही रहते हैं। इसका cos थीटा 2 यहाँ से आ जाएगा, cos थीटा 3, क्योंकि ये और आगे तक भी जाएगा इसलिए जाते रहेगा, मतलब अनंत तक जाएगा ये। अब इसके बाद अब इसका भाई तो खत्म हो गया, अब साइन की बारी है। तो साइन में क्या कॉमन हो सकता है, देखिए सब में आई साइन कॉमन है, आई साइन कॉमन है, आई साइन कॉमन है, लेकिन θ1 θ2 तो सब तो अलग अलग है ना, इसलिए कॉमन लेंगे आई साइन इसका θ1 θ2 θ3, लिख दिए अनंत तक। इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, अगर किसी पर पावर जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर पावर में एन है, तो एन पावर होने मतलब दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, कॉस में भी एन से और आई साइन में भी एन से। देखिए कॉस में एन से होगा था कॉस एन थीटा और इसमें भी तो आई साइन एन थीटा। अगर माइनस हो तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच में माइनस आपको कर देना है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर यहाँ पर बीच में माइनस हो और उस पर पावर में एन हो तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है कॉस एन थीटा, और माइनस तो है ही, आपको इस तरह लिख देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर 5 नंबर में अगर माइनस हो तो माइनस तो सिर्फ आपको याद करना है, बीच में प्लस लिख देना है और बाकी सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और बढ़ते हैं आगे, कुछ और हैं देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये सब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय ये सब दिखाई पड़ेगा आपको। अगर किसी भी टर्म क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको cos θ1 cos θ0 और आई साइन 0 अगर भेटाए तो इसका मान 1 होता है, अगर 1 भेटाए तो इसका 1 के बदले में इतना लिख सकते हैं, अगर इतना भेटाए तो इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, हम माइनस के बदले में cos φ और प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं, इसका बदले में भी मतलब cos φ के बदले में भी इतना सब लिख सकते हैं -1 दोनों टर्म पर में। इसका आई के मतलब क्या हुआ है, आई के मतलब cos π/2 प्लस आई साइन π/2 भी लिखा जा सकता है, ये सब आपको याद कर लेना है, ये फार्मूला है, मतलब ये सब कंसेप्ट आपको आगे मिलने वाला है सब में क्वेश्चन में सॉल्व करते समय। कभी कभी देखिएगा कि इतना बराबर भी इतना लिखा जा सकता है, आई के बराबर भी इतना लिखा जाएगा क्वेश्चन में। इसका अगर माइनस हो यहाँ पर आई माइनस, तो सिर्फ आपको बीच में माइनस लगाना है, बाकी सेम टू सेम इसी तरह रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको मतलब ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करें, ताकि मुझको पता चल सके कि आपने क्या सीखा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।